अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता था कि मेरा फाइनल एग्जिट लग गया, मैं कफाला कैसे लूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी, सवाल यही आ रहा था कि मेरा फाइनल एग्जिट का फील ने लगा दिया, कैसे कफाला लूँ। तो इस वीडियो में आपको पूरा मैं डिटेल में बता दूंगा कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कफाला हो सकता है या फिर क्या है, इस वीडियो में पूरा आपको पता चलेगा। इसके अलावा और भी कुछ सवाल था और कुछ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक दो अपडेट आई है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती है। तो चलो पहली अपडेट यहाँ पे ये जो है, सऊदी अरब ने अभी क्या किया है कि इंडिया की एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, UPL, हो सकता है आपने नाम सुना हो। UPL कंपनी के साथ सऊदी अरब ने अभी एक डील की है $1 अरब की। अब यहाँ पे ये डील क्यों हुई, सऊदी अरब चाहती है कि हम सारा चीज़ का प्रोडक्शन खुद करें, फार्मिंग ये वो, तो इस वजह से इस कंपनी के साथ जो है, इंडियन कंपनी के साथ सऊदी अरब ने डील की है। तो अब इंडिया सऊदी का रिलेशन ऐसे ही अच्छा है। इसके अलावा जो एक अगली अपडेट यहाँ पे ये आई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने फिर से एक बार कंपनी को वार्निंग दी है कि आप अपने वर्कर का, जो भी प्राइवेट कंपनी है सबको बोला है कि आप अपने वर्कर का जो है डाटा को, सैलरी डाटा को सही करो। बहुत सारे वर्कर का अभी जो है अभी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने कहा है कि मिसमैच है, सही नहीं है, गलत है। वो आपको भी पता है कि बहुत सारी कंपनी जो अब तक अपडेट नहीं किए हैं, कुछ का कुछ ज़्यादा है, कहीं पे सैलरी तो कम की हुई है, इस तरह से जो है सैलरी डाटा मिसमैच है। ये मुझे लगता है कि अब ये लास्ट ही वार्निंग है, इसके बाद हो सकता है कंपनी अगर अब भी नहीं सुनेगी तो अब आपको दिखेगा कि कंपनी के ऊपर पेनाल्टी आने वाली है, क्योंकि बार बार बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, बट यहाँ पे कंपनी अब तक कुछ एक्शन नहीं ले रही है। इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पे आपके साथ शेयर कर, ये आई है सऊदी अरब में कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पे ये बताया गया है कि अब सऊदी अरब में जो है कस्टम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 आवर लगने वाला है कस्टम क्लियरेंस करने के लिए। कस्टम में जैसे आपको सी पोर्ट हो गया या एयरपोर्ट कहीं भी जाओगे, आपको कस्टम में बहुत कम टाइम लगेगा। आप कस्टम किन लोगों को क्लियर करना पड़ता है, किसी के पास महंगा सामान है या फिर ज़्यादा कैश लेके जा रहे हो, गोल्ड ज़्यादा है, इन सब लोगों को और भी इसी तरह का होता है, इन सब लोगों को जो कस्टम डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है। अब चलो मेन सवाल की तरफ आते हैं। किसी बंदे ने जवाजात से सवाल किया कि मेरा जो है कफ़ील ने फाइनल एग्जिट लगा दिया है, अब मैं इस केस में कैसे कफाला ले सकता हूँ, क्या इस केस में कफाला ले सकता हूँ। ऐसा मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि फ़ाइनल एग्जिट लगने के बाद क्या मैं कफाला ले सकता हूँ। तो जवाजात की तरफ से सीधा सीधा कहना था, फाइनल एग्जिट लगने के बाद आप कफाला नहीं ले सकते हो। बस एक चांस है यहाँ पे, अगर आपकी कंपनी जो है उस एग्जिट को कैंसिल कर देती है, किसी तरह से अगर एग्जिट कैंसिल होता है उसके बाद जो है आप कफाला ले सकते हो। और जैसे ही फाइनल एग्जिट लगा, आपका इकामा एक्सपायर हो, रिन्यूअल हो, कुछ भी एक्सपायर हो, डेट बचा हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फाइनल एग्जिट लगने के बाद आपका सारा कुछ जो है एक वीज़ा हो जाता है, जो फाइनली उस पर हो जाता है, एकामा का वैल्यू ही ख़त्म हो जाता है, आपका जो वीज़ा होता है उसका ही वैल्यू रहता है। तो फाइनल एग्जिट लगने के बाद आप कफाला नहीं ले सकते हो। यहाँ पे जवाजात ने भी क्लियर कर दिया, ले वही तभी सकते हो जब आपका जो है यहाँ पे फाइनल एग्जिट कैंसिल हो जाता है। और अगर आपकी कंपनी पहले से आपको पता है कि ये कंपनी कफाला नहीं देगी, आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप कफाला नहीं लो। कफाला लेने का क्या क्या कंडीशन है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, सारा कुछ बताया है किन लोग, कौन से लोग कफाला ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकता है, कब ले सकते हो, सारा कुछ वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप जाके देख सकते हो। ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, कोई सवाल हो QR से रिलेटेड किसी भी तरह का कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।